नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड में होम साइंस में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिकारिता एवं प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने व उन्हें नष्ट करने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं, यानी प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं। सरल भाषा में देखा जाए यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है शरीर में, वो उसकी इम्यूनिटी पावर कहलाती है। इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह एंटीजन को पहचानता है, उसको नष्ट करके निष्कासित कर सके, वह प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। एंटीजन से यहाँ मतलब है सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं शरीर में, जैसे जो विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, जो भी सूक्ष्म जीव हैं उन्हें हम एंटीजन बोलते हैं। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो सकती है या फिर कृत्रिम तरीके से भी अर्जित की जा सकती है। शरीर के कोषों में एंटीजन को पहचानने की क्षमता होती है। ये कोष थाइमस ग्रंथियों में टी सेल तथा अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, उसमें बी कोष के रूप में उपस्थित होते हैं। जो थाइमस ग्रंथियों में टी सेल है और जो अस्थि मज्जा में बी कोष हैं, वो पूरे शरीर में घूमते हैं और एंटीजन को पहचानते हैं और एंटीजन को ख़त्म कर देते हैं। इसी प्रकार जो हमारे रक्त में WBC होती है, श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिनका पूरा नाम है वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, ये भी एंटीजन को नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये एंटीजन को भक्षण कर लेती है, उन्हें नष्ट कर देती है। और जब हमारे शरीर में कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, कोई विषाणु, जीवाणु, कोई भी प्रवेश करता है, तो ये WBC उन्हें पहचान के उन्हें नष्ट करती है। तब इनकी संख्या ये अपने आप गुणन क्रिया द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेती है, जो कि 30,000 तक पहुँच जाती है। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो एक व्यक्ति के शरीर में WBC 6,000 से 8,000 तक ही होती है, पर इस अवस्था में जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश कर गया है, तब इनकी संख्या 30,000 तक हो जाती है। अगर एंटीबॉडीज रोगाणुओं को नाश करने में सफल हो जाते हैं तो रोग नहीं हो पाता, और इसके विपरीत अगर रोगाणुओं का नाश नहीं हो पाता है तो ये अंगों में पहुंचकर गुणन क्रिया करते हैं, उसके द्वारा वंश वृद्धि करते हैं और अंगों को क्षति पहुंचाकर शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। इसी प्रकार इम्यूनिटी व्यक्ति में उन रोगाणुओं, विषाणुओं या सूक्ष्म जीवों के साथ रहने, बढ़ने या क्रियाशील होने की क्षमता नहीं है, बल्कि उन रोगाणुओं, विषाणुओं या सूक्ष्म जीवों को नाश करने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। इसे दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक प्रतिकारिता, यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरा कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता, जिसे कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्राकृतिक में भी हम देखते हैं कि एक होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, जो व्यक्तिगत होती है, और दूसरी रेशियल या स्पीसीज इम्यूनिटी, जो हमें अनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है। कृत्रिम में देखा जाए तो सक्रिय और निष्क्रिय, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में रोग होने के बाद और टीकों द्वारा उपार्जित, और निष्क्रिय में होती है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं फिर, प्राकृतिक प्रतिकारिता और दूसरा कृत्रिम प्रतिकारिता। जो प्राकृतिक प्रतिकारिता होती है वो माता के गर्भ में अपरा से प्राप्त होती है, और दूसरी स्तनपान के द्वारा। जो कृत्रिम प्रतिकारिता है वो एंटीटॉक्सिन से और दूसरा गामा ग्लोबुलिन से हमें प्राप्त होती है। अब हम इसे डिटेल में समझ सकते हैं कि ये जो इम्यूनिटीज़ हैं वो
किस प्रकार से हमें प्राप्त व्यक्ति को शरीर में प्राप्त होती है। प्राकृतिक प्रतिकारिता को जन्मजात प्रतिकारिता भी कहते हैं, यानी व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऐसी क्षमता लेके पैदा होता है कि कुछ खास रोग उसे कभी हो ही नहीं सकते। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल इम्यूनिटी। कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जो उन्हें अनेक रोगों में लड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो ये हुई इंडिविजुअल, यानी उसकी व्यक्ति खुद की एक रोग से लड़ने की क्षमता है। फिर है रेशियल इम्यूनिटी। व्यक्ति में पूर्वजों से प्राप्त अनुवांशिक गुण होता है, उसका अनुवांशिक गुण है कि उसमें इस तरह की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे रोग विशेष उसको नहीं हो पाता। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में सक्रिय गुण हम देखते हैं, जब व्यक्ति रोगाणुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी निर्मित होते हैं, यानी उसके शरीर में अगर सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष संपर्क में आ गए हैं तो अपने आप एंटीबॉडीज निर्मित हो जाएंगे। फिर है रोग होने के बाद, व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उस रोग से रक्षा के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, यानी कि उसको रोग हो चुका है उसके बाद एंटीबॉडीज उसके शरीर में निर्मित हो रहे हैं और इस कारण वह वापस उस रोग से वो निकल तो जाता है और जो एंटीबॉडीज उसके शरीर में बने हैं उससे वह पुनः वापस उस रोग से ग्रसित नहीं होता है। फिर है टीकों के द्वारा, कई प्रकार के टीके बनाए जाते हैं, उन टीकों को लगाया जाता है, जैसे खांसी, खसरा, डिप्थीरिया वगैरह इन सब के टीके बने हुए हैं, तो ये टीकों के द्वारा उनमें प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं एंटीबॉडीज और उससे ये रोगों से रक्षा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निष्क्रिय प्रतिकारिता। ये वो है जैसे जब किसी मानव या जानवर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को अन्य मानव के शरीर में प्रवेश कराकर उसमें रोग के प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न कराई जाती है, यानी किसी मानव या शरीर में उत्पन्न है वो सूक्ष्मजीव है उसके अंदर और उसके कुछ अंश लेके वो दूसरे मानव के शरीर में प्रवेश कराते हैं और उसके शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी पैदा की जाती है, तो यह कहलाती है निष्क्रिय प्रतिकारिता। ये भी दो प्रकार की होती है, एक है प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक में गर्भस्थ शिशु जो होता है वो अपनी माता के अपरा से इम्यूनिटी पावर क्षमता प्राप्त करता है, उसमें वो क्षमता अपने आप आ जाती है। दूसरा है कि स्तनपान द्वारा, जब वो अपनी माता का दूध ग्रहण करता है तो उसमें उपस्थित कोलेस्ट्रॉम होता है जिससे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करने की ताकत होती है उस कोलेस्ट्रॉम में, तब वो जब कोलेस्ट्रॉम पीता है तो उसमें अपने आप इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। फिर है कृत्रिम प्रतिकारिता, इसमें एंटीटॉक्सिन के द्वारा यानी अमानवीय स्रोतों से तैयार किए जाते हैं एंटीटॉक्सिन, जैसे कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, इनसे एंटीटॉक्सिन बनाए जाते हैं और मानव के शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं जिससे उनमें इम्यूनिटी पावर उत्पन्न होती है। फिर गाबा, गामा ग्लोबुलिन, इसको भी शरीर में प्रवेश कराने से निष्क्रिय प्रतिकारिता यानी इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है। इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।